एरर्स एंड एनालिसिस के अंदर सबसे पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट है, ये स्टार्ट है कि एरर होता क्या है। देखो, एरर का मतलब क्या है? गलती, गलती होना। तो किस टाइप की गलती पढ़ने वाले हैं? ये इस टाइप की गलती है, नॉर्मली ये चैप्टर काम आता है एक्सपेरिमेंट्स में। जब आप लैब में जाते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री या कहीं भी, या आगे से जाएंगे, इवन कॉलेजेस में जाएंगे, तो आपको कोई भी रीडिंग लेनी पड़ सकती है किसी भी चीज़ की। जैसे आपने एक लेंथ मेजर करनी है, जैसे आपने कोई वोल्ट मीटर में वोल्ट्स मेजर करने हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट तो करेंगे। ये कोई भी साइंटिस्ट कोई तो एक्सपेरिमेंट करेगा। अब होता क्या है कि कभी कभी जो करेक्ट वैल्यू है ना, देखो इंसान को तो पता ही ना, एक्सपेरिमेंट करते वो तो अपने तरह से बेस्ट करता है। तो मान लो एक रीडिंग 2 मीटर की है, पर उसको तो पता नहीं कि उसने 2.1 मेजर कर दिया है, वो क्योंकि वो नहीं पता लगा उसे। तो एग्जैक्ट रीडिंग तो 2 थी, उससे गलती से मेजर हो गई 2.1, तो कितनी वैल्यू का एरर हो गया? 0.1। तो एरर की डेफिनेशन क्या है? जो भी वैल्यू मेजर की गई उसमें से ट्रू वैल्यू जो होनी चाहिए थी का डिफरेंस क्या कहलाएगा? एरर। ठीक। अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप ये जब मैं डेफिनेशन देता हूँ तो लोग समझते हैं कि अच्छा अच्छा हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी 2 और वैल्यू मैंने मेजर कर दी कितनी? 2.1। तो एरर की कैलकुलेशन है 0.1। हाँ, मुझे समझ में आ गया चैप्टर कि हम एरर कैलकुलेट करेंगे ना। हम एरर कैलकुलेट नहीं करेंगे, एरर तो होते रहते हैं, एरर तो कैलकुलेशन में होने ही है। अब एरर्स क्यों होने? आप ऐसे कैसे एरर हो जाएगा? आप कहोगे मैं तो ध्यान से काम करता हूँ, मेरा थोड़ा एरर होगा। देखो, एरर होने के कई रीजंस हैं, रीजन है। जैसे कॉन्स्टेंट एरर, कॉन्स्टेंट एरर में टाइप ऑफ एरर्स हैं, किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं? पहला टाइप का एरर है कॉन्स्टेंट एरर। आपकी मशीन है, मान लो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन की सुई ना 0 पे नहीं, यानी 5 पे है। किसी का वेट अगर 70 न्यूटन है, वो 75 आएगा, 80 वाले का 85 आएगा, 90 वाले का 95 आएगा। वो परेशान है कि चक्कर क्या है, हर बार 5 का एरर रही जा रहा है। भाई तुम्हारी सुई गलत है, तुम उसे ठीक करो ना। पर चलो, इन एनी केस 5 का एरर रिपीट होता जा रहा है, तो वो कौन सा एरर है? वो कॉन्स्टेंट एरर है। दूसरे टाइप का एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। भाई तुम्हारी मशीन ही खराब है, तो मेजरमेंट क्या कहाँ से लोगे? तुमने मेजर करना है टेम्परेचर, थर्मोमीटर में सेल नहीं डाला, सेल वीक है, तो टेम्परेचर कहाँ से आएगा? बीपी की मशीन में सेल वीक है, तो बीपी तो गलत ही आएगा। तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब है, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है। तीसरे टाइप का एरर है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है? लैब चल रही है, टीचर ने कहा एक काम कर, एक मेजरमेंट लेके आ। मेजरमेंट क्या थी? एक ट्यूब लगी हुई थी हल्की पतली सी शीशे की, उसमें पानी था, पानी की ना हाइट मेजर करनी थी। 4 स्टूडेंट चले गए। अब देखो ना, टीचर यहाँ बैठा है, तुम बन गए साइंटिस्ट, 4 लोग चलो एक्सपेरिमेंट करके आते हैं। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जाते हैं तो 2 बातें वहाँ पे हो ही जाती हैं, और शाम का क्या प्रोग्राम है भाई, क्या करेगा? ठीक है, अब चल तो एक्सपेरिमेंट रहा था, बातें तुमने अपनी पर्सनल जोड़ ली। अब दूसरा बंदा कहता है कि भाई रीडिंग तो ले ले। तीसरा कहेगा रीडिंग लेके क्या करेगा, वो प्रोफेसर तो वहाँ बैठा है, तू 2 बोल 2.1 बोल, वो उसको क्या पता क्या रीडिंग है? उसने तो रीडिंग मांगी, तू बोल दे 2.1। चल ठीक है यार, 2.1 सही। अब देखो, गलती किसकी? स्टूडेंट की। वैल्यू गलत 2.1, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। या अगर कोई सीरियस स्टूडेंट भी गया, थोड़ा पढ़ाकू टाइप का चला गया, मैं तो एक्सपेरिमेंट करके छोड़ूंगा, अब वो एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा? एनक का नंबर ही चेंज होने वाला है, तो 2 की जगह 2.1 1.9 मेजर करे जा रहा है, तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। ये इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, उस बंदे की पर्सनल प्रॉब्लम है, तो पर्सनल एरर है। ये भी हो जाता है ना, हम काम करते हैं तो हो ही जाता है ये भी। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन। आपने किसी को कहा ये ले फ्लाइट पकड़, अभी के अभी जा और बॉम्बे की फ्लाइट पकड़, वहां जाके देख उतरते टेम्परेचर क्या है बाहर का, बस दूसरी फ्लाइट पकड़ वापस आ जा। वो बंदा जाता है, थर्मोमीटर निकालता है, थर्मोमीटर बिल्कुल सही है, बंदे का ध्यान बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। लेकिन पता लगता है, उसको बेचारे को नहीं पता होता कि 2 घंटे पहले बहुत तेज बारिश हो के चुकी है, नॉर्मल टेम्परेचर बॉम्बे का मान लो 35 के आसपास रहता है, उस दिन 18 आ गया, फ्लाइट पकड़ी वापस आ गया, बोलता है कि 18 डिग्री सेल्सियस है। अरे ऐसे कैसे हो गया 18? रूटीन में तो 30-35 रहता है, 13-18 कैसे आ गया? वो कहता है जी मैं इंस्ट्रूमेंट ठीक था, इंस्ट्रूमेंट ठीक था, तू ठीक था, मैं भी ठीक था, जिससे पर जी 18 था। अब देखो, उसकी तो कोई गलती नहीं ना। सेम हिमालय पे जाके चले जाओ, वहाँ का प्रेशर मेजर कर लो। अब ऐसी जगहों पे बहुत पहाड़ी इलाके पे क्या होता है, प्रेशर गिर जाता है, पता ही नहीं लगता प्रेशर कब गिर जाए, हवा चली प्रेशर गिर गया।
अब प्रेशर आना था 10, जब आपने मेजर किया उसी आया 4, वैसे रहते हैं 8-9, तो देखो उसमें आपकी तो कोई कसूर नहीं, ये तो ऊपर वाले का कसूर हो गया ना यार, कि जो नेचर का कसूर हो गया, तो जो हमारे हाथ में ही नहीं है किस कैटेगरी में डाल दिया, एक्सटर्नल रीजन, पता ही नहीं यार ऐसा क्यों हो गया। फिर आखिरी एरर है रेंडम एरर, आपने किया एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में वैल्यू आनी थी 2, आपकी आ गई 1.9, आपने पूरा जोर लगा दिया कि 1.9 क्यों आई, रीज़न पता लग जाए, चश्मा भी चेक करवा लिया, 10 बार रीडिंग भी ले ली, एक्सटर्नल रीज़न भी चेक कर लिए, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रीज़न है, पता ही नहीं, पर एरर है। तो जब पता ही नहीं कि किस कैटेगरी का एरर है, तो फिर किस खाते में डाल देंगे, रैंडम एरर है यार, होगा कोई रीज़न, मुझे खुद ही नहीं पता क्या रीज़न है, पर गलती आ रही है। ठीक, अब फिजिक्स वाले, कोई भी मान लो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम इस चैप्टर में ये इंटरेस्टेड नहीं है कि बंदे को पकड़ के लाओ उसको ठीक करेंगे, हम ये मानते हैं कि छोटी मोटी गलती तो होती ही रहेगी। हम किस किस को पकड़ेंगे, एक्सटर्नल को पकड़ें, थर्मोमीटर पकड़ें, मशीन को पकड़ें, खुद को पकड़ें, क्या करें, अब हर वक्त तो कोई रहेगा भी ना चेक करने के लिए। तो आपने 10 बार रीडिंग ली, आपके सर पे 10 बंदे थोड़ा खड़ा देंगे चेक करने के लिए ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट करते हुए एरर्स तो आएंगे, चाहे छोटा चाहे बड़ा एरर तो आएगा। अब प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम क्या है, एक टीचर ने कहा जा लैब में एक्सपेरिमेंट कर, तो वो सेम रीडिंग 2 मीटर की पानी की हाइट थी वो मेजर करनी थी, तो स्टूडेंट जाता है वो कहता है जी 2 मीटर, टीचर कहता है फिर करके आ, रीडिंग आती है 2.1 मीटर, वो कहता है फिर से करके आ, रीडिंग आती है 1.9 मीटर, फिर से करके आ। अब ऐसा नॉर्मली होता है, एक एक्सपेरिमेंट को 8-10 बार लैब में किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि जो थोड़े मोटे एरर्स आ रहे हैं ना वो एडजस्ट हो जाए। अब देखो ना, एक टीचर को आप रीडिंग बता रहे हो 2.1, 2.2, 1.9, 1.8, टीचर पूछेगा भाई 10 रीडिंग मेरे सामने तूने रख दी, करेक्ट रीडिंग है ये बता। अब ये तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं करेक्ट क्या है, क्योंकि अगर तुम्हें यही पता होता कि तुमने गलती की तो तुम गलती क्यों करोगे, तुम्हें क्या पता 1.9 सही है कि 2 सही है, तुम तो पूरा जोर लगा के रीडिंग ले रहे हो, तुम्हें तो यही नहीं पता कि अगर 10 रीडिंग ली 10 में से कौन सी करेक्ट है, क्योंकि अगर तुम्हें करेक्ट पता होती तुम एक ही रीडिंग बोलते यही करेक्ट है, बाकी बोलते ही ना, तो यानी कि सारी करेक्ट है पर पता ही लग रहा है इनमें से कौन सी करेक्ट है, तो फिर इसका क्या करें। ये चैप्टर यही डील करता है, गलतियां तो होनी है, तो आप रीजन मत ढूंढें गलतियों का इस चैप्टर में कि क्यों हुई, हो गई गलती, अब आगे क्या करना है, तो ये इस जो चैप्टर है इसमें डील करेगा कि आगे करना क्या एरर्स का। जैसे एक स्टूडेंट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, एक एक्सपेरिमेंट करते हुए ऑब्जर्वेशंस ली, उसने कोई लेंथ मेजर करनी थी, उसने लेंथ मेजर की 2, फिर टीचर ने फिर से मेजर करके आया, फिर से 2.1, जब फिर मेजर करके आया 2.2, फिर मेजर करके आया 2, फिर मेजर करके आया 1.9, फिर मेजर करके आया 1.8, टीचर ने कहा बता करेक्ट वैल्यू क्या है, वो बोला जी देख ऐसा है, पहली बार गया था तो रीडिंग 2 थी, दूसरी बार 2.1 है, तीसरी बार 2.2 है, तीसरी बार 2 है, वो कहता है यार इतनी राम कथा कौन सुनेगा तेरी, बैठ के की पूरी इतनी, तो 100 रीडिंग ले आएगा, एक रीडिंग बोल क्या सही है, क्या करे वो, उसके हिसाब तो सारी सही है, तो क्या करेगा, इन सब की एवरेज वैल्यू ले लेगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कौन सी राइट है, तो क्या करेगा, इन सब का एवरेज लेगा, इन सबको ऐड करेगा, नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड करेगा, मान लो आपका आंसर 2 आता है तो टीचर को कहेगा 2 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ रीडिंग, तो इनमें से क्या सही तो पता नहीं। तो हम एरर्स को रिड्यूस करने के लिए बोल सकते हो, या जितनी बार रीडिंग रिपीट होगी वो करेक्ट वैल्यू होगी, तो एवरेज ही एक तरीका है जिससे कि आप करेक्टनेस की तरफ जा सकते हो। तो करेक्ट वैल्यू क्या लेगा वो, इसकी एवरेज या मीन वैल्यू। किया गया फैसला ये किया गया कि आप एवरेज लें, एवरेज लेके जो आप तो 100 बार रीडिंग लेंगे, एवरेज जो रीडिंग आएगी वो करेक्ट वैल्यू मानी जाएगी। अब टीचर ने कहा एक काम कर, तेरा कैलकुलेशन करते हुए एरर तो आया होगा, उसने कहा एरर तो आया, तो क्या एरर आया, वो कहता देखो पहले रीडिंग में एरर ये आया, मेरी ऑब्जर्व रीडिंग 2 थी और करेक्ट रीडिंग 2 थी,
अब मेरे हिसाब से करेक्ट रीडिंग तो 2 ही है, तो डिफरेंस क्या है, 0, कोई एरर नहीं है। दूसरे में ऑब्जर्व रीडिंग 2.1 है और करेक्ट रीडिंग क्या है, 2 है, दोनों को डिफरेंस करके आंसर क्या आया, 0.1। तीसरे में 2.2 ऑब्जर्व रीडिंग है, करेक्ट 2 है, डिफरेंस क्या आया, 0.2 का एरर है। नेक्स्ट में 2 में से 2 गया, 0 का एरर है। 1.9 में से 2 गया, -0.1 का एरर है। और 1.8 में से 2 गया, -0.2 का एरर है। उसने कहा जी पूरे रिजल्ट में ये मेरे एरर्स हैं। अब टीचर ने कहा तू तो 100 रीडिंग लेगा, एक एरर बता, एक एरर कितना है, पूरे एक्सपेरिमेंट है अंदाजे से बता दे। तो उसने भी क्या किया, इन सब का एवरेज ले लिया। कैसे, पहले में एरर क्या है, 0, दूसरे में एरर क्या है, 0.1, तीसरे में एरर क्या है, 0.2, नेक्स्ट में एरर क्या है, 0, नेक्स्ट में एरर क्या है, -0.1, नेक्स्ट में एरर क्या है, -0.2 को 6 से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही ऐड किया, ये टर्म इससे, ये टर्म कैंसल, तो न्यूमिनेटर क्या हो गया, 0। उसने कहा जी मेरा तो एरर ही नहीं है। और टीचर क्या कहेगा, कॉपी दिखा अपनी। और जब कॉपी खोल के देखी, वो कह रहे ये क्या ढेर लगा के रखा पड़ा है, एरर ही एरर है, तू कह रहा है एरर नहीं है, पॉइंट है। तो उसने कहा जी एरर कट गए। ऐसे कैसे कट गए, आधी रीडिंग तो गलत है, एरर कैसे कट गए, गलती गलती कटती नहीं, गलती गलती बड़ी गलती, माइनस नहीं होती कभी भी। तो बेसिकली क्या करेंगे इसमें, जब हम एवरेज लेंगे तो आगे मॉड लगाएंगे, मॉड का मतलब टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो आप पॉजिटिव वैल्यू लें तो एवरेज कैसे निकलेगा, 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0.1, माइनस नहीं लगाना एवरेज लेते हुए, प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तभी कुछ आंसर आएगा। तो आंसर आया 0.1। तो 0.1 एज्यूम किया जाएगा इसकी एवरेज वैल्यू है एरर की। तो अब आप फाइनल आंसर टीचर को दे सकते हैं कि मेरा आंसर था करेक्ट 2 और जिसमें एवरेज एरर था 0.1, और बीच में लगा के देंगे प्लस माइनस, कि भाई ये भी कहेंगे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 1 लगा लेना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे मार्क किए जाते हैं, तो कैसे रिजल्ट्स किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट में, और सही वैल्यूज की तरफ कैसे मार्क किया जाता है। जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे एवरेज उतना बढ़िया आएगा, एरर उतना कम आएगा, तभी तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिपीट किया जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। कोई डाउट है इसमें, तो ये रिजल्ट क्लियर हो गया। ये तो मेरी लैंग्वेज थी, किताबी लैंग्वेज, बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, अ स्टूडेंट हैज परफॉर्म्ड एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस वर A1, A2, A3 अप टू AN। तो द करेक्ट वैल्यू वॉज मीन वैल्यू ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, दैट इज A1, A2, AN अप टू N, AM. AM इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एरर इन फर्स्ट वैल्यू ऑफ 1 इज A1 ऑब्जर्व वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू। सेकेंड में क्या एरर है, A2 माइनस AM, नेक्स्ट में A3 माइनस AM, AN माइनस AM। ये क्या है, चेंज इन वैल्यू ऑफ A1। चेंज को फिजिक्स में क्या लिखा जाता है, डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज। तो डेल्टा A1 का मतलब फर्स्ट वैल्यू का चेंज, यानी कि एरर इन A1, एरर इन A2, एरर इन A3, एरर इन लास्ट रीडिंग। ठीक हो गया यहां तक, लेकिन टीचर क्या कहेगा, एक वैल्यू बोल एरर की, तो इन सब क्या क्या लोगे, एवरेज डिवाइड बाय n, एवरेज वैल्यू ऑफ एरर। तो वही चीज जो मैंने न्यूमेरिकली समझाई, वही चीज मैंने अब A1 A2 की फॉर्म में समझाई। यहाँ तक ये स्टेप क्लियर हो गया, तो बुकिश लैंग्वेज समझ में आ रही है कैसे लिखी जाती है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। देखो एरर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। अगर किसी को बताना है कि मेरी ऑब्जर्वेशन में एरर है, तो उसको समझाने के आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या चीज़ है, एब्सोल्यूट एरर है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड ट्रू वैल्यू। मतलब कि जो आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू ली 2.1 और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2, इनका जो डिफरेंस है कितना आया 0.1, ये एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब सिर्फ डिफरेंस ऑफ टू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर है। तो जैसे हमने जो पहली रीडिंग ली थी A1 में से ट्रू वैल्यू को माइनस किया था, ये एब्सोल्यूट एरर है इन रीडिंग A1, ये एब्सोल्यूट एरर है इन रीडिंग A2।
ये एब्सोल्यूट एरर है इन रीडिंग ए थ्री. एब्सोल्यूट एरर का मतलब डिफरेंस ऑफ वैल्यूज, क्लियर है, डेल्टा. तो पहली टाइप का एरर क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर. तो जैसे पहली रीडिंग में ए वन में एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखा जाता है, बाय डेल्टा ए वन. तो क्या ये स्टेप क्लियर है, मीन्स मैंने ये ईजी लैंग्वेज में बता दिया कि एक स्टूडेंट एक रीडिंग लेता है और वो रीडिंग आती है 2 ± 0.1. तो 2 का मतलब है एक सही वैल्यू, ट्रू वैल्यू इज, करेक्ट वैल्यू इज 2, प्लस माइनस 0.1 क्या है इसका, एब्सोल्यूट एरर है. तो 0.1 एब्सोल्यूट एरर का मतलब कहीं डिफरेंस आया होगा, 0.1 का डिफरेंस आया होगा. तो इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे 2 ± 0.1 में मन में मान लो 2 का मतलब ए, तो 0.1 का मतलब डेल्टा ए, मतलब ए का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, बी का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी, सी का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा सी. तो ये अगर ए है तो ये डेल्टा ए माना जाएगा, तो ये करेक्ट वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट एरर है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक. दूसरे टाइप का एरर इज नोन एज रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शन ऑफ एरर है. कैसे, अगर कोई स्टूडेंट रीडिंग मार्क करता है 2 ± 0.1, तो 0.1 कौन सा एरर है इसका, एब्सोल्यूट एरर है भाई, अभी रिलेटिव तो आया ही नहीं. 0.1 एब्सोल्यूट एरर है, 2 इसकी करेक्ट रीडिंग है. तो रिलेटिव एरर है अगर आप एब्सोल्यूट एरर को करेक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दें. अगर आप एब्सोल्यूट एरर को करेक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ये फ्रैक्शन आएगा. इसको फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं या रिलेटिव एरर बोलते हैं. तो कुछ भी नहीं है रिलेटिव एरर. क्या है रिलेटिव एरर, फ्रैक्शन ऑफ एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर को करेक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दें. जैसे अगर रीडिंग है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर, ए क्या है, करेक्ट वैल्यू, ये रेशियो क्या है, रिलेटिव एरर. कई बार कोई स्टूडेंट ऐसा गलती कर बैठता है, वो कहता है जी देखो ये रिलेटिव एरर, मैंने कहा हाँ, कहता देखो ए से ए हो गया कैंसल, मैंने कहा ठीक, तो क्या बचा, कहता जी बच गया डेल्टा. मैंने कहा डेल्टा का मतलब क्या है, वो कहता चेंज. मैंने कहा किस में चेंज, वो कहता बस चेंज. नहीं, मैंने कहा किसी चीज़ में चेंज तो होता होगा, वो कहता चेंज, ऐसा फिजिक्स में अलाउड नहीं है भाई, कुछ तो चेंज करो. तो अकेला डेल्टा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फिजिक्स में, डेल्टा अकेला नहीं घूम सकता. डेल्टा ए एक टर्म है. जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2 ± 0.1, तो ए की रीडिंग क्या है 2, तो डेल्टा ए की रीडिंग क्या है 0.1, ए से एक कट नहीं सकता. तो रिलेटिव एरर क्या बनेगा, डेल्टा ए बाय ए, यानी कि 0.1 / 2, ये रिलेटिव एरर है. कोई डाउट इसमें हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव एरर, तो एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस ऑफ वैल्यू, रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय करेक्ट वैल्यू, और परसेंटेज एरर तो और भी आसान है. जो रिलेटिव एरर आया वो फ्रैक्शन में आता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो परसेंटेज बन गया खत्म. तो परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर को 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई. जैसे अगर ये वैल्यू है, ये 2 करेक्ट वैल्यू है, 0.1 एब्सोल्यूट एरर है, तो एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड किया, करेक्ट वैल्यू से, तो कौन सा एरर आया, रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो कौन सा एरर आया, परसेंटेज. सही है. तो देखो 2 ± 0.1, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, या फिर 0.1 / 2 × 100, यानी कि 5%. तो आइडिया समझ में आ रहा है, तीन टाइप के एरर्स हैं. और परसेंटेज एरर को ऐसा भी लिख सकते हैं कि मेरी करेक्ट रीडिंग है 2, प्लस माइनस 0.1 की जगह क्या लिख दिया, 5%. 5% का मतलब कि एग्जैक्ट रीडिंग तो 2 है, तो इसमें 5% वैल्यू ज़्यादा भी आ सकती है और 5% कम भी आ सकती है. पर ये 5% लिखना है या 0.1 लिखना है, ये आपके हाथ में नहीं है. ये क्वेश्चन पूछने वाला आपको खुद ही देगा, या परसेंटेज देगा या एब्सोल्यूट एरर देगा, वो आपने नहीं करना, वो अपने आप पूछ लेगा आपसे. पर आपको लिखना आ गया तरीका, हाउ टू राइट 3 टाइप ऑफ एरर्स. जैसे ये क्वेश्चन है, ट्राई करना.
देखो क्वेश्चन है कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्वेशन ली 1.45, तो स्टूडेंट की जो ऑब्जर्वेशन है वो है 1.45, नेक्स्ट है 1.56, 1.44, 1.54, 1.53, राइट। तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इन सबका क्या लेना है, एवरेज। तो एवरेज सॉल्व करके क्या आ रहा है, 1.51 पहला रिजल्ट आ गया, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6। फिर दूसरा, फर्स्ट रीडिंग में एरर क्या आएगा इन दोनों को, क्योंकि करेक्ट रीडिंग 1.51 है, इन्हें माइनस कर लिया। नेक्स्ट में जो एरर आएगा वो ये आएगा, नेक्स्ट में एरर ये आएगा, नेक्स्ट में एरर ये आएगा, और नेक्स्ट में एरर ये आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये एरर आएंगे, लेकिन यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव मत लेना। इन सबको सॉल्व करके एवरेज लोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, क्लियर है। देखो मैं इतना जीनियस नहीं हूँ, कहीं घर जाके सोचो कि सर तो बड़ी तेज कर लेते हैं, हम तो कर नहीं पाते भाई। मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ से देख के, ऐसा कुछ आएगा, ये मैं सॉल्व सुल कोई नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये आएगा, रिलेटिव एरर क्या आएगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, रिलेटिव एरर आएगा, और परसेंटेज एरर क्या आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें? ठीक, वही चीज़ ली जो मैंने ऑब्जर्वेशन ली। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। एक क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में कभी ना कभी जब होगा जरूर आएगा, मुझे याद आ रहा है, मैं बताना चाहता हूँ ताकि एक नंबर तो आपका पक्का हो अगर आप उस दिन तक रिटेन कर ले। तो क्वेश्चन दिया जाएगा घुमा फिरा के, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया 5 बार की जगह 500 बार किया, तो आपका एरर आने का चांस बढ़ेगा या घटेगा, रिड्यूस होगा या ज़्यादा एरर आएगा, क्योंकि 500 रीडिंग में एरर आ रहा है, 500 रीडिंग में एरर आएगा। तो आप जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लेते हैं तो एरर फाइनल बढ़ेगा या घटेगा। अब एक थ्योरी कहती है कि बढ़ेगा, 500 एरर्स आएंगे, एक कहता घटेगा क्योंकि एवरेज ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस का है, घटेगा। हम एवरेज नंबर ऑफ रीडिंग लेते ही इसलिए ज़्यादा हैं ताकि एवरेज आउट हो जाए एरर। तो आपने रिड्यूस बोलना है, आपने इंक्रीज नहीं बोलना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लेना अच्छी बात है, इससे एरर घटता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैंने ऑब्जर्वेशन एन टाइम्स ले ली, ठीक है, वन की जगह एन टाइम्स ले ली, तो एरर 1/n टाइम्स रिड्यूस होगा। एरर याद रखना 1/n टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, मतलब अगर आपने ऑब्जर्वेशन 500 टाइम ले ली तो एरर भी 1/500 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लेते हैं ताकि एरर उस वैल्यू से क्या हो जाए, डिक्रीज। याद रख सकते हो, याद रखना हफ्ते तक, अच्छी बात है, एक नंबर मिल ही जाएगा आपको इसका। देखो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखो ये चैप्टर इसमें बिल्कुल डील नहीं करता कि गलती किसने की उसको पकड़ के लाओ, फिजिक्स इसमें डील नहीं करती। फिजिक्स डील करती है कि गलती तो हो के आएगी, अब गलती का करना क्या है। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स एक टॉपिक है जिसमें ये बताया जाता है कि जैसे सपोज करो मेरा एक टास्क है, दो स्टूडेंट को मैंने कहा तुम दो अलग अलग रीडिंग्स लेके आओ, मेरे को उन रीडिंग्स को ऐड करके किसी को बताना है कि आंसर क्या है। तो एक स्टूडेंट ने कहा ठीक है सर, मैंने रीडिंग ले ली है अपनी रिजल्ट्स की और मेरी रीडिंग है 2 ±0.1, मतलब मैं करेक्ट वैल्यू तो मेरी 2 है पर उसमें एरर आ सकता है 0.1 का कम या ज़्यादा। दूसरे स्टूडेंट ने अपनी इनपुट दी, उसने कहा कि सर देखो मेरी करेक्ट रीडिंग 3 है और एरर आ सकता है 0.1 का। अब मेरा काम क्या था, दोनों को ऐड करके किसी को बताना रिजल्ट। अब देखो मैं सोच रहा हूँ यार तुम एरर ना ही करते, तुमने क्यों मुझे एरर बताया, क्योंकि अगर तुम एरर ना करते तो तुम मुझे करेक्ट वैल्यू बताते 2, तुम मुझे करेक्ट वैल्यू बताते 3 और मैं आंसर आगे बता देता करेक्ट कितना 5। ये भी कोई चैप्टर हुआ, ये तो दूसरी क्लास के बच्चे को पूछ लो, भैया 2 + 3 क्या है, वो गिन 1, 2, 3, 5 बता देगा। ये थोड़ी ना +1 में करना है, प्रॉब्लम किसकी है, इसकी। मैं लोगों को क्या बताऊं कि एरर कितना आया, क्योंकि एक स्टूडेंट ने 0.1 का किया, दूसरे ने भी 0.1 का किया, तो फिर मैंने भी क्या किया, दोनों को ऐड ही कर दिया। मैंने कहा भाई देखो करेक्ट वैल्यू तो 5 है जो स्टूडेंट्स ने बताया ऐड करने के बाद, लेकिन उसमें एरर कितना है
पॉइंट टू का है, मैंने आगे रीडिंग एज इट इज पास कर दी, मतलब तुम्हारी मेन कैलकुलेशन में करेक्ट वैल्यू की एडिशन में एरर्स भी साथ के साथ क्या हो गए, ऐड हो गए। फिर मेरा टास्क चेंज हो गया, किसी ने कहा सर ये तो बड़ी मतलब बड़ी आसानी से कर दिया आपने, आप एक काम करें माइनस करके रिजल्ट दें। तो मैंने करेक्ट ये रीडिंग लिखी, अगर एरर ना होता तो दो में से तीन के आंसर माइनस वन होता, बात ही खत्म थी। पर अगर एरर साथ दे रहा है, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार दो में से तीन या माइनस वन तो आंसर बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि दो में से तीन या माइनस वन तो है ही, एरर का क्या करना है, एरर का क्या करना है। अब पॉइंट वन को अगर मैं माइनस करके बताता हूँ तो फिर मेरे से जवाब पूछा जाएगा, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपके, एक बारी में आंसर निकाल देते हैं, दो में से तीन या माइनस वन, एरर एक भी नहीं आया, नहीं मैंने कहा एरर तो दोनों गलत थे, तो फिर कहेंगे आप बड़े होशियार हो, दो गलत रीडिंग का आप मुझे सही आंसर कैसे दे सकते हो। तो मैंने कहा एरर कट गए, कहते ऐसे कैसे कट गए, गलती बड़ी गलती हो सकती है, गलती कैंसिल कब से होने लग गई। तो यहां पे मुझे पता नहीं क्या करना है। यही नहीं, अगर मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन होता, मेरा टास्क मल्टीप्लीकेशन का होता, दो इंटू तीन छः तो ठीक था, अब मैं उसको क्या बोलूं, पॉइंट वन इंटू पॉइंट वन इस पॉइंट जीरो वन, मतलब और भी होशियार बच्चे हैं, तुम्हें वो गलत रीडिंग देते हैं पॉइंट वन और तुम मुझे फाइनल आंसर दे पॉइंट जीरो वन, यानी कि एरर रिड्यूस हो गया। ये भी कुछ नहीं, अगर डिवीजन होता तो दो बटा तीन तो दो बटा तीन आ ही जाता, लेकिन पॉइंट वन को पॉइंट वन से डिवाइड करके एरर है वन। वो कह रहे हैं ऐसे कौन से बच्चे हैं जो मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू टू बाई थ्री और एरर देते हैं वन, इसका मतलब समझते हो, टू बाई थ्री के अंदर एरर वन, इसका मतलब ये है ये बेंच एक मीटर का है, एक मीटर का है। किसने पूछा कि सर वैल्यू जो है मैं फीते से मापना कितने का है, मैंने कहा देख एक मीटर का बेंच है पर मुझे लगता है कि गलती प्लस माइनस एक मीटर और है, मतलब आप कह रहे दो मीटर का बेंच लग रहा है आपको, ये कौन सा फीता ले रहे हो, एक मीटर एक पॉइंट एक मीटर तो समझ सकते हैं, पॉइंट वन का एरर समझ सकते हैं एक मीटर में, पॉइंट टू भी समझ सकते हैं, पॉइंट थ्री भी समझ सकते हैं, एक मीटर का और मतलब आपको दो मीटर का बेंच नजर आ सकता है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल लॉजिक गलत है। तो डिवीजन तो एरर का हो ही नहीं सकता इसका मतलब, तो फिर क्या होगा, एरर्स का एलजेब्रा सीखेंगे और यही इस चैप्टर का मेन काम है जो पेपर में आना है, इसकी एप्लीकेशन आनी है। मैंने फिर कहा इसमें डील करता ही नहीं है कि गलतियां हुई कैसे, ये तो डील अब ये कर रहा है कि मेरे पास गलत वैल्यू आ गई, सो कॉल्ड गलत वैल्यू बोल रहा हूँ पर देने वाला थोड़ा ना कह रहा है गलत दे रहा हूँ, वो तो कह रहा है कि मैं तो ठीक ही दे रहा हूँ पर गलती तो हो ही जाती है, तो अब उस गलती का करना क्या है इस एलजेब्रा में, ये मेन पार्ट है। ठीक है यहाँ तक, तो इसके लिए पहला ऑपरेशन करेंगे एडिशन। ठीक, सबसे पहले जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे दो और तीन को ऐड करके आंसर पाँच आता है, ये कोई सिखाने की चीज़ नहीं है, सिखाने की चीज़ है जो तुमने गलतियाँ मुझे बताई, पॉइंट वन का एरर बताया, फिर मैं क्या बोलूँ कि ऐड करने के बाद तो एरर का क्या हुआ। चलो करते हैं मैथमेटिकली, सपोज करो अगर आप मुझे करेक्ट वैल्यू ऑफ ए देते हैं बिना एरर के, तो बिना एरर का मतलब डेल्टा ए नहीं होगा बीच में,
अगर आप मुझे करेक्ट वैल्यू ऑफ बी देते हैं और मैं ऐड करूं तो सपोज मेरा आंसर क्या आता है, जेड। अब जेड में भी एरर नहीं आएगा क्योंकि अगर ए में एरर नहीं है, बी में एरर नहीं है, तो आंसर में भी एरर नहीं आएगा। एग्रीड? तो पहला स्टेप समझ में आया, अगर ए में एरर नहीं है, बी में एरर नहीं है, तो जेड में भी एरर नहीं है। लेकिन अगर तुम ये बोलते हो ए में एरर है तो ए की जगह ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, बी में एरर है बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, तो फिर जेड में भी एरर होगा। ऐड करने के बाद भी आंसर क्या आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ए बिना एरर के, बिना एरर के तो आंसर बिना एरर के, ए विद एरर, बी विद एरर, तो फिर जेड विद एरर। तो क्या ये लॉजिक क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? आगे ए और बी एक ब्रैकेट में, ए और बी एक ब्रैकेट में, प्लस माइनस कॉमन, तो क्या बना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। लिख लिया, ए प्लस बी क्या है यहां पे, जेड, तो ए प्लस बी की जगह जेड पुट कर दिया। जेड में से जेड क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, डेल्टा जेड इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो फाइनल रिजल्ट आ गया, मैथमेटिकल रिजल्ट, कि भाई अगर ए विदाउट एरर, बी विदाउट एरर, तो जेड विदाउट एरर, और एरर्स का क्या होगा, एरर्स आपस में क्या हो रहे हैं, एड। जैसे आपको दो रीडिंग दी जाएगी, पहली रीडिंग है 2 प्लस माइनस 0.1, मतलब ये ए तो ये डेल्टा ए। दूसरी रीडिंग है 3 प्लस माइनस 0.1, अपने मन में मान लो एक बी एक प्लस माइनस डेल्टा बी, आपको क्या निकालना है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक, ये आंसर है। और आपको दो नंबर्स को क्या करना है, एड विद एरर्स। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि एडिशन में जेड का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, और डेल्टा जेड का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सोचो जेड का मतलब तो करेक्ट नंबर में करेक्ट नंबर ऐड करेंगे तो 2 + 3 क्या आएगा, 5 लिख दिया, और डेल्टा जेड में क्या आएगा, इसे और इसे भी क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो आंसर क्या आएगा, 0.2। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इन शॉर्ट, जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं विद एरर, तो उनकी करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू तो करेक्ट वैल्यू में जाती जाती है, उनके एब्सोल्यूट एरर्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये आंसर आता है 0.2। कोई डाउट इसमें? तो पहला रिजल्ट क्लियर है, आपने ये रिजल्ट की एप्लीकेशन करनी है, आपने ये प्रूफ नहीं करने, ये नहीं करने स्कूल के लिए भी, कॉम्पिटिशन के लिए नहीं करने, सिर्फ सुनने हैं। क्योंकि अगर मैं सीधा क्लास में आऊं और आपको ये बोलूं कि अगर आप दो नंबर्स को लेट अस सपोज डिवाइड करते हैं, आपका ये फॉर्मूला आता है, आपको कि कैसी फिजिक्स है यार ये, मैं क्लास में जाता हूँ वो कहते हैं डिवाइड करते हैं ये फॉर्मूला आता है, वैल्यू पुट कर तो आंसर आ जाता है, मेरे को तो बहुत अजीब लगता है ये पढ़ाना इस तरीके से। आप सिर्फ मेरी शक्ल देखेंगे, वो क्या रहा है, कैसी फिजिक्स है ये, आप नहीं समझ पाएंगे। एटलीस्ट आपने कोई चीज़ देखी, आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपको एंड रिजल्ट पूछा जाएगा, आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, राइट। इस चैप्टर में थ्योरीज नहीं पूछी जाती, ओनली एप्लीकेशन आएगी, वो तुम्हें नंबर देगा, पूछेगा एरर बताओ बता सेट पर। लेकिन मेरी मजबूरी समझो, मेरी दो प्रॉब्लम्स हैं, पहली मैं ऐसे पढ़ा नहीं सकता कि बस ये फॉर्मूला याद कर लो, इसे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ये तो मेरे को मतलब मेरे तो समझ के बाहर है, ये मेरे बस का नहीं। दूसरा, ये जो चैप्टर है या कोई भी फिजिक्स की एक लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज समझते हैं, जैसे मैंने ये लैंग्वेज में कुछ लिखा, मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखी, आपको समझ में आ रही है कि टेक्निकल लैंग्वेज क्या है। हम हर चीज़ को ये तो नहीं कर सकते ना, पॉइंट वन है, पॉइंट वन ऐड कर दो, पॉइंट टू आ गया, भाई किताब तो लोगे ही ना, 15 दिन बाद किताब तो लोगे ही, किताब भी लैंग्वेज तो पढ़नी आनी चाहिए, वो डेल्टा ए डेल्टा भी करता रहेगा, तुम बस ये देखते रहना कि पता नहीं कौन सी भाषा लिखी हुई है, ये मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट अगर फिजिक्स पढ़ता है, उसको फिजिक्स की किताबें ना बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि ऑथर बोलता क्या है। अल्टीमेटली मैं थोड़ा आऊँगा किताब में से निकल के, किताब का ऑथर ही बोलेगा और लिख के बोलेगा, तो वो लैंग्वेज टेक्निकल समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसलिए प्रूफ बताता हूँ, इसलिए नहीं कि स्कूल में आएगा, नहीं आएगा ना कॉम्पिटिशन में, स्कूल में आएगा ये आएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और सुन लो, एक रजिस्टर आपने परचेज करना है, ये सबसे काम का रजिस्टर होने वाला है आपको, कि इसमें थ्योरी लिखेंगे नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे नहीं न्यूमेरिकल भी नहीं करेंगे, इसमें
इसके ऊपर हेडिंग डाल लेना फॉर्मूला रजिस्टर। आज के बाद अगले 2 साल तक आपने कोई भी फॉर्मूला क्लास में सीख लिया तो मैंने हमेशा ये बोलना है अपना फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करें और ये फॉर्मूला लिखें। कितने फॉर्मूला होंगे 2 साल में, कितने को जाएंगे, कितने अंदाजा फिगर, कितने 200 200 400, कम से कम 600-700 बनेंगे, इससे कम तो बात बनती नहीं है। ठीक, अच्छे खासे फॉर्मूलाज हैं आपको के इतने, देखो आपको सुबह उठ के याद नहीं करने 600-700, ये ना आपके डीएनए में चले जाएंगे अंदर अपने आप, रोज सीख सीख के अपने आप ही। अब v=u+at का सुबह उठ के याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आपके अंदर जा चुके हैं। ऐसे ut+half-at को याद थो ना किए जाते हैं, ऐसी कुछ जैसे f=ma याद थो ना करने, ऐसे जितने भी +1 +2 के फॉर्मूलाज हैं ना वो फॉर्मूलाज नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम एक रिजल्ट करते हैं ना उसका प्रूफ करते हैं, एंड में एक रिजल्ट आता है। अब आपको इसकी क्या ज़रूरत है, लिखा तो हुआ है क्योंकि बुकलेट तो मैं भी दूंगा आपको हाथ से लिख के सारी। मैं आपको पूरे +1 +2 में 9 किताबें दूंगा, 9 किताबें मैंने लिखी हुई हैं और वो इतनी बड़ी हैं अगर आप इकट्ठा कर लोगे ढेर, जिस दिन आपका कॉम्पिटिशन का पेपर होगा मेरी गारंटी है मैं नहीं पढ़ सकता। रात को 10 बजे अगर मैं पेज पलटने भी शुरू कर दूँ ना, मैं सुबह 4 बज जाएंगे, मैं 9 किताबें देख नहीं पाऊंगा, पक्की बात है। तो जब मॉक टेस्ट होते हैं ना PCM के एंड में, बहुत सिलेबस होता है, उस टाइम सिर्फ वही फॉर्मूला रजिस्टर काम आते हैं जो बढ़िया पेन से बनाए जाते हैं, लाल नीले हरे से, ताकि आपको पता हो कि बढ़िया तरीके से लिखने हैं, ताकि अगर मन करे उसको देखने का। गंदा मत बनाना, फिर नहीं इससे अच्छा मत बनाओ, वो गंदा बनाया ना बनाया एक ही बात है, फॉर्मूला रजिस्टर बढ़िया से बनाने। आपने जो भी फॉर्मूला हमने किए, जैसे एडिशन का फॉर्मूला आज कर लिया ये लिख लेना है आपने, सब्ट्रैक्शन का लिख लेना है, मल्टीप्लिकेशन लिख लेना है। इवन सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, आप घर में पढ़ रहे हैं आपको लगता है यार ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज़ हो रहा है और मुझे लगता है कि मैं 6 महीने बाद पक्का भूल जाऊँगा, तो एक काम करता हूँ उसमें नोट कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं रिवाइज़ करूँगा वो चीज़ मैं रिवाइज़ करता हुआ जाऊँगा। आपको बचाएगा तो सिर्फ फॉर्मूला रजिस्टर, नहीं तो मेरी किताब में या दुनिया का कोई किताब आपको बचाएगी नहीं। एंड में चाहिए चाहिए फॉर्मूला रजिस्टर, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये मेंटेन करना है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बाकी आलतू फालतू तो मैं लिख के दे रहा हूँ, देखो मैं अपना टाइम लेक्चर में ना खराब करूं, ना आपका खराब करूं, ना लेक्चर खराब करूं, उन चीज़ों को लिखते हुए जो मैं पहले लिखवा दूं और एंड ऑफ द लेक्चर बोल दूं कि भाई ये आएगा नहीं, आप कहोगे यार कमाल कर दी यार, पूरा हाथ हमारे दुख गए लिख लेके 1.5 घंटा, फिर कह रहा आएगा नहीं। तो क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ बताना होता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठे, तो इसलिए ये सब जो मैं करवा रहा हूँ ये मैं लिख के ला रहा हूँ, आपकी कोई टेंशन नहीं है। जो लिखने वाला पार्ट है वो फॉर्मूला रजिस्टर में जाएगा, वो आप ही लिखेंगे, वो मैं नहीं लिखूंगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये पहला रिजल्ट क्लियर है। दूसरा नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन का प्रूफ नहीं आता, मैं फिर कहूँगा, लेकिन कितना अजीब लगता है, मैं आया मैंने कहा सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट याद कर लो, ऐसे कैसे याद कर लो, कहोगे यार कैसे आया। तो आप इससे पहले मुझसे पूछे कैसे आया, मैं बता देता हूँ कैसे आया। अगर मान लो एक नंबर बिना एरर के है ए और दूसरा नंबर भी बिना एरर के है बी, तुमने कोई एरर तो किया नहीं, सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आएगा z, उसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। तो z का फॉर्मूला पहले केस में क्या है, a माइनस बी। लेकिन अगर a में मान लो a में एरर आया a प्लस माइनस डेल्टा a, b में एरर आया b प्लस माइनस डेल्टा b, तो माइनस करने पे z में भी एरर आएगा डेल्टा z। एरर नहीं विल गिव एरर। अब अगर मैं इसे ओपन कर लूँ a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस है ना, तो माइनस प्लस डेल्टा b, तो ये टर्म आ गई, उल्टा हो गया साइन। क्या स्टेप क्लियर है, a माइनस b एक ब्रैकेट में, ध्यान से a माइनस b एक ब्रैकेट में, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है बोलो, प्लस की माइनस, हाँ आप हो गए दोनों, अच्छा दोनों, नहीं मॉडल्स तो मैंने वर्ड यूज किया, मैंने कहा प्लस माइनस टू का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस टू का मतलब क्या है, या प्लस टू या माइनस टू, पता नहीं साइन क्या है, क्योंकि अगर पता ही होता साइन क्या है तो एक साइन ना लगा देता माइनस, एक साइन ना लगा देता प्लस, प्लस माइनस का मतलब मुझे खुद ही नहीं पता दोनों में से कुछ भी। तो माइनस प्लस का मतलब क्या है, कोई भी प्लस या माइनस, माइनस या प्लस में कोई फर्क है ही नहीं। तो इसलिए आप अपने मन में इसको प्लस माइनस मान लें और आप इसमें से प्लस माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी,
तो माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि एक ही बात है। तो ए माइनस बी तो जेड है इस क्वेश्चन में, जेड में से जेड गया खत्म, कैंसल, प्लस माइनस कट गया, आंसर वही आ गया, डेल्टा जेड की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि अगर नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो एक्चुअल नंबर में से एक्चुअल नंबर सब्ट्रैक्ट होके एक्चुअल नंबर आता है, पर एरर ऐड होके एरर ऐड ही होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते। मैं आपको एक और यूनिवर्सल रूल बताता हूँ, मतलब आपके मतलब न्यूमेरिकल करते करते मैं आपको फंसा लूँगा वो अलग बात है, आपको पता ही लगे आपने क्या कर दिया, बट फिर भी एक रूल ना याद रखना, एरर के न्यूमेरिकल में कभी गलती हो ही नहीं सकती। अगर आपकी कैलकुलेशन करते करते एरर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन वहीं छोड़ देना, एक भी स्टेप आगे ना करना, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं। गलती बड़ी गलती में से छोटी गलती, माइनस करके छोटी गलती नहीं आती, गलती गलती ऐड ही होगी और बड़ी गलती ही निकलेगी, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होते। जितने मर्जी फॉर्मूला ड्राइव कर लो, एरर हमेशा प्लस में ही बनेंगे, माइनस में बन ही नहीं सकते। अब आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, वो अगली बार देखेंगे जब मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा, ये बात आपकी याद रह गई, फिर तो मेरा आंसर जो मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा आएगा सही, और जो ना याद रही आप फटाफट से आंसर मेरे ट्रैप में फंस जाएंगे। याद रख सकते हैं, अगली बार तक याद रख लें, मैं कोशिश करूँगा आपको फंसाने की, ठीक है? तो देखते हैं कोई कितना याद रख, क्योंकि वो मेंस और नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे वही पूछना है, क्योंकि उन्होंने फंसाया इसलिए मैं आपको फंसाऊंगा, देखते हैं कौन निकल पाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो मैंने आपको बताया एरर ऐड होते हैं, इसको यूज़ करना आना चाहिए, फॉर्मूला रजिस्टर में ये भी फॉर्मूला नोट करना है और सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों करने हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन मत करना, क्योंकि फॉर्मूला अभी आने हैं उसको मत नोट करना, बस यहीं से इसी चैप्टर से शुरू करना जो करना। इसके अंदर दो नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करने हो, ये क्वेश्चन है, दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने, अपने मन में मान लें ये ए है, ये डेल्टा ए है, ये बी है, ये डेल्टा बी है, आंसर क्या है, जेड डेल्टा जेड है, जेड इसमें क्या है, ए माइनस बी, और डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि एरर सब्ट्रैक्ट तो होते ही नहीं, एरर तो ऐड ही होंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जेड क्या है, करेक्ट नंबर में से करेक्ट नंबर माइनस करेंगे तो माइनस वन, यानी कि ए माइनस बी माइनस वन, और डेल्टा जेड की जगह डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी पॉइंट टू आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि अगर दो नंबर आपस में माइनस करने हैं तो एक्चुअल नंबर तो माइनस ही होंगे लेकिन एरर्स आपस में ऐड होंगे। ये बात लोग दिल पे इतना ले लेते हैं कि कमाल है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वो फ्लो में देखो अगली बार क्या करेंगे, मैं बताता हूँ गलती क्या करेंगे, मैं उनको नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दूंगा, मैं बोलूँगा चार में से दो गए तो कितने आए, वो बोलेंगे अच्छा चार प्लस दो छः, क्योंकि आपने कहा था सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐड होता है। भैया नंबर एक्चुअल तो सब्ट्रैक्ट ही होते हैं, एरर्स ऐड होते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है, पता ही नहीं लगता बंदे को, वो कहते हैं सर ने कहा था ऐड ही ऐड करते जाओ, वो मैथ की क्लास में जाके भी कहते हैं हम नया रूल सीखा, दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं उसको प्लस में कर दो। मैंने नहीं सिखाया भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा है, दिखा देना वीडियो, तो मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने को सब्ट्रैक्शन ही बोला, लेकिन जो पीछे प्लस माइनस लगा हुआ है उनको ऐड करना है, एक्चुअल नंबर में से तो एक्चुअल नंबर सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? मतलब सच बताऊं आधा न्यूमेरिकल तो पुराने वाला है, ये वाला कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, और आधा एडिशन का ही है, मतलब दो बार कैलकुलेशन करनी है, एग्जैक्ट नंबर की अलग करनी है, एरर्स की अलग करनी है, बस ये गेम है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? जैसे एक स्टूडेंट कुछ ऑब्जर्वेशन लेता है कुछ मासेस की, वो मास मेजर करता है 23.7 प्लस माइनस 0.5, ये उसकी पहली ऑब्जर्वेशन है मास की विद एरर। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये रही, आपको क्या करना है, फाइंड या ना सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन ऑफ मासेस क्वेश्चन है, फाइंड करेक्शन कर लो शीट में, सब्ट्रैक्शन ऑफ मासेस, सम नहीं सब्ट्रैक्शन, फाइंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मासेस। क्या करेंगे, दोनों मासेस को माइनस करना है, अपने मन में मान लेते हैं ये ए प्लस माइनस डेल्टा ए,
मन में मान लेते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी, दो नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट करने हैं, मान लो आंसर क्या है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। जेड का मतलब क्या है, ए माइनस बी, नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ए माइनस बी, ठीक। और डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि एरर सब्ट्रैक्ट तो होंगे नहीं, एरर्स 0.5 और 0.3 मिला के क्या आएगा 0.8। तो ये स्टेप समझ में आ रहे हैं आंसर कैसे लिखना है, नंबर को तो नंबर में से माइनस ही करना है पर एरर्स आपस में ऐड करने हैं, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डिवीजन। डिवीजन का पार्ट ना इसलिए जरूरी नहीं है करवाना, ये देख रहे हो उसकी शक्ल, इसलिए जरूरी नहीं है कि ये पेपर में आएगा, इतना बड़ा कुछ नहीं आएगा इसमें से, कोई नहीं पूछेगा आपसे। इसलिए जरूरी है कि अगर मैं आपको ये रिजल्ट सीधा दूं तो आप में से पहला क्वेश्चन पूछेंगे सर कैसे आया, तो कुछ आइडिया तो दे दो, ठीक है नहीं आएगा पेपर में ये तो बता दो आया कहां से, एक तो इसलिए जरूरी है। दूसरा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक यूज करने वाले हैं बाइनोमियल, जो ना बार बार फिजिक्स में काफी बार यूज होती है, इसलिए जरूरी है कि एक्सपीरियंस के लिए कि देखो दुनिया में ऐसा भी सॉल्व होती हैं चीजें, कल को हमें करने को आए तो हमें एटलीस्ट स्टेप समझ में आने चाहिए। तो इसमें सब्ट्रैक्शन से शुरू करते हैं, डिवीजन से शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, अगर मान लो करेक्ट वैल्यू ऑफ ए दूं, करेक्ट वैल्यू ऑफ बी दूं, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ जेड आ जाएगी, कोई एरर तो है नहीं। लेकिन ए में एरर दूं, बी में भी एरर दूं, तो जेड में भी एरर आ जाएगा, सही है। इसकी सिंप्लीफिकेशन में इसमें से एक कॉमन निकाल लो, तो कोई कहता हाँ मैं निकाल सकता हूं, मैंने कहा कैसे, कहता है देखो ए कॉमन आ गया, ये क्या बचा वन, ये क्या बचा डेल्टा, फिर मैंने कहा ये क्या है, कहता बी कॉमन आ गया, मैंने कहा वन प्लस माइनस डेल्टा, डेल्टा हवा में कैसे उड़ सकते हैं, अकेले ही डेल्टा अकेला घूम ही जा रहा है, तो अलाउड ही नहीं है। डेल्टा ए एक टर्म है, डेल्टा बी दूसरी टर्म है, आप डेल्टा ए को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये गलत है प्लीज, ठीक है। तो क्या करना है आपने, आपको ये तो पता ही है मैथ्स में 2 प्लस 3 है, मैं कॉमन 2 निकालना चाहता हूँ जबरदस्ती, तो 1 प्लस 3 बाई 2, सही है, निकल नहीं रहा था फिर भी निकाल लिया, तो 2 आ गया, ये 1 बच गया और 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, देखो ना 2 इंटू 1 2 और 2 से 2 कट गया 3, सही है। उसी तरीके से अगर कोई रीडिंग है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और मैं जबरदस्ती एक कॉमन निकाल लूं तो ये वन, तो मुझे इस टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा विद डेल्टा ए, सेम रूल है इसमें भी, करके देख लो ए इंटू वन ए और इसको मल्टीप्लाई करके ए से ए कैंसिल, तो डेल्टा ए, सही है यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, इस रिजल्ट में से ए कॉमन निकाल लिया तो ये स्टेप है, डिनोमिनेटर में से बी कॉमन निकाल लिया तो ये स्टेप है, सही है। ये पूरी की पूरी टर्म न्यूमिनेटर में चली गई तो क्या बन गया, रेज टू पावर माइनस वन, ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर गई तो रेज टू पावर माइनस वन, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक। अब इससे पहले मैं आगे चलूं, एक स्टेप सीख लो नॉलेज के लिए, आपसे लगवा कोई नहीं रहा, कोई पेपर में आपको कहीं कहीं लगा के दिखा, मैथ वालों को फिर याद करना पड़ेगा, मुझे बार बार करना पड़ेगा, 2 महीने ज़्यादा नहीं, उसके बाद मैथ वाले चले जाएंगे ज़िंदगी से और फिर सिर्फ फिजिक्स चलेगी, बीच बीच में आते रहेंगे, जैसे फिर आ गए कैलकुलस में भी आते रहते थे फिर आ गए। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व करो, ठीक है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व कर दो, हाँ आप कहोगे मैं कर सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने कहा एक काम करो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2/3 को सॉल्व करो, ओपन करो, आपको ये क्या है, ये कोई फॉर्मूला होता है कोई, अगर होता है तो फिर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 7/2 को सॉल्व करो, आपको क्या, मेरे को नहीं आता। मैथ में एक चैप्टर सिखाया जाता है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, मैथ वाले स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट तो 3 महीने बाद मेरे से ये पूछेंगे नहीं कैसे आया, वो तो उल्टा मेरे को समझा जाएंगे कि ये इनकम्प्लीट है और भी सीखो मुझसे, ठीक मेरे को इतनी चाहिए, लेकिन मेडिकल वालों को ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं बाइनोमियल, तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है, जितनी सिखाऊंगा बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। तो दोनों को कोई टेंशन नहीं है, फिलहाल काम चलाने के लिए बता देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम इसकी एक्सपेंशन अप्रॉक्सीमेटली कर सकती है,
हालांकि बाइनोमियल थ्योरम क्या करती है, इसको पूरा एक्सपैंड करके खोल देती है, पावर को उड़ा के एक्सपेंशन करती है, बट इसकी टर्म काफ़ी ज़्यादा टर्म्स होती हैं, हमने तो अंदाजे से अप्रॉक्सीमेटली मार्क करना है। तो बाइनोमियल से एक फॉर्मूला आता है कि अगर पहली टर्म वन है, पहली टर्म वन ही होनी चाहिए, दूसरी कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वन प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एन इंटू एक्स आ जाएगा। जैसे अगर सपोज करो क्वेश्चन है वन प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री बाई टू, ये इक्वल टू नहीं, अप्रॉक्सीमेट है, इक्वल टू नहीं है, तो आंसर आएगा वन प्लस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस थ्री बाई टू, तो आंसर क्या आएगा, वन माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय टू आंसर है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? कुछ नहीं किया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डन। ठीक है, क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ। कैसे फंसा मैं, रेज टू पावर क्या आ गया, माइनस वन। अब इसको अगर एक्सपैंड करना है अप्रॉक्सीमेटली, तो माइनस वन को इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करके ये टर्म प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस प्लस। तो चेक करो ये टर्म क्या हो गई यहां से, माइनस प्लस। कोई डाउट इसमें, उल्टा प्लस माइनस, माइनस प्लस बन गया, माइनस वन हट गया। अब देखो ना, ये प्रूफ नहीं आएगा आपको, कोई नहीं पूछेगा जिंदगी में आपने किया कि नहीं किया, चाहिए ही नहीं, कुछ ना समझाए कोई दिक्कत ही नहीं है। पर यार बीच में एक स्टेप जो आया बाइनोमियल वाला, ये तो बीच बीच में 8-10 बार आता रहेगा, सिर्फ इसमें नहीं, महीने बाद दोबारा आ जाएगा, 3 महीने दोबारा आएगा। अब मैं आपको हर बार थोड़ा सिखाऊंगा, इसलिए सिखा रहा हूं ताकि ये स्टेप थोड़े से समझ में आ जाए, चाहिए नहीं वैसे आपको ये। तो इसमें ये टर्म आ गई, अब इन्हें ओपन करें ब्रैकेट को, वन इंटू वन वन, वन इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, चार टर्म्स आ गई, ओपन कर लिया। जरा ध्यान से इस आखिरी टर्म को ध्यान से देखें, ये टर्म का एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे आपको a प्लस माइनस डेल्टा a की वैल्यू मैंने दी 2 प्लस माइनस 0.01, देखो डेल्टा a ना बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, एरर्स ना बहुत छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते। तो 2 प्लस माइनस 0.01, b की वैल्यू है 3 प्लस माइनस 0.02, और अगर मैं ये कैलकुलेट करवाऊँ डेल्टा a डेल्टा b बाय ए बी, तो डेल्टा a की वैल्यू 0.01, डेल्टा b की वैल्यू 0.02, ए बी 2-3 से सॉल्व करके आंसर देखो क्या आ रहा है, 0.000333। इतनी छोटी कैलकुलेशन से काम करोगे, देखो इतनी अजीब बात है। अच्छा चलो इसको ऐसे समझते हैं, मैंने आपके कुछ पैसे देने हैं, चलो कितने, 10 लाख रुपए देने हैं, ओ सॉरी 10 लाख नहीं, हिसाब बना था, 10,33,000 पैसे देने हैं, सॉरी 33 पैसा भी है साथ में, और आपने फर्दर वो पैसे उसके साथ बांटने हैं 50%। मतलब क्या करूं, पहले तो मैं 33 पैसे निकाल के दूं, फिर वो 33 पैसे डिवाइड बाई 2, मतलब 15-15, 15.5 पैसे वो उसको भी देगा। आप कहोगे सर ऐसा है, आप 10 दो, 33 पैसे अपने पास ही रख लो, चाहिए ही नहीं, ऐसे ही होगा, और तू भाई 5 पकड़। जब बहुत बड़ी वैल्यू के सामने एक छोटी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, उसको ज़िंदगी सुखी बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए, सुखी रहते हैं। फिजिक्स का रूल यही है। देखो इतनी बड़ी वैल्यू घूम रही है, वन वन के सामने ये वैल्यू मान लो आती है 0.000033, कौन रखेगा वन के सामने 0.000000, भाई छोड़ो यार, छोड़ो, छोड़ दिया, इसको लेना ही नहीं, इसको टीम से बाहर निकालो। तो इसको बोलते हैं फिजिक्स में, हमने इसे क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ये बहुत छोटी है, इसको चाहिए नहीं मुझे। तो कुल मिला के 3 टर्म्स बच गई बस, ये रही ओनली 3 टर्म्स, चौथी करनी नहीं है, बहुत छोटी आएगी, मतलब इतना भी एक्यूरेट नहीं होना कि 5-5 पैसे में हिसाब चले। तो यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट स्टेप है, दोनों लेफ्ट और राइट टर्म्स को जेड से डिवाइड कर दो। तो ये टर्म क्या बनेगी, जेड बाई जेड, ये टर्म क्या बनेगी, डेल्टा जेड बाई जेड। ए बी इस क्वेश्चन में जेड चल रहा है क्योंकि जेड इज इक्वल टू ए बी, ये कट गया, तो आपके पास 3 टर्म बच गई, जेड बाई जेड वन हो गया, वन में से वन सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और ये फॉर्मूला आ गया, तो जब दो नंबर्स आपस में डिवाइड होंगे तो उनके रिलेटिव एरर ऐड होंगे। देखो ये क्या एरर है, रिलेटिव, डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। आपको एक पैसे का समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन, चाहिए ही नहीं है। तो आप ये सोचें अगर कि यार मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही यार, पता नहीं क्या करा दिया, चाहिए ही नहीं है, ये तो मैंने आपको करवा दिया, आपको चाहिए ही नहीं है,
ताकि आप मेरे से ना पूछें फिर ये कहाँ से लाए हो ये तो बता दो, आपको एक आइडिया पता लग गया कि ऐसा कुछ कर करके लाए हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ही चाहिए बस। आपको किसी भी स्कूल किसी भी कंपटीशन के अंदर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला आएगा, थ्योरीज नहीं आती तो नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसमें किया कुछ नहीं, बस डिवीजन किया एरर्स के साथ के वैल्यू लिखी, ए और बी कॉमन निकाला, इसको ऊपर ले गए, इसकी बाइनोमियल लगाई, माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आई, चारों टर्म्स को ओपन कर लिया, वो टर्म निगलेक्ट कर दी तो ये टर्म आ गई, जेड से डिवाइड कर लिया ये टर्म वन हो गई, वन से वन कैंसिल करके आंसर आ गया। कि यार कुछ नहीं है, समझाने में टाइम लिया, अंदर कुछ नहीं, चार स्टेप ही है इसके, करना नहीं है। लेकिन प्लीज़ मतलब आपने ये तो सुने होंगे टीचर बोलते हुए, ये भी करना है, आपने ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, आपने ये नहीं सुना होगा कैलकुलस करने के बाद कहते हैं कि ये पढ़ना मत, स्कूल के लिए कुछ नहीं आएगा। आपने ये भी नहीं सुना होगा एरर्स करने के बाद, भाई एरर्स की थ्योरी मत करना, ये भी नहीं आएगा। ठीक, आपको जो है एप्लीकेशन आएगी, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आती है फिजिक्स में, यूनिट एंड मेजर न्यूमेरिकल आएगा बोला, एरर में से न्यूमेरिकल आएगा बोला, कैलकुलस मोशन के अंदर रोज यूज होगा, उसमें से कुछ नहीं आएगा, मोशन पूरा कैलकुलस से बना बैठा है। जो आपने टेस्ट दिया कैलकुलस का इस बार, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे, वो अजीब से लग रहे थे, वो मोशन ऑफ द पार्टिकल अजीब जी फंक्शन से, वो एक्चुअल मैंने अगले चैप्टर से डालने हैं मोशन में से। अगर वो कर पा रहा है मोशन, उसके लिए कुछ भी नहीं है टेस्ट करने के लिए, कौन किसकी फिजिक्स अंदर से निकल रही है, जस्ट टेस्ट करने के लिए कि कौन क्या कर पा रहा है। लेकिन कुछ कुछ समझ पा रहा था आपको, तो अगले चैप्टर की वो इंटीग्रेशन होने वाली है, अगला चैप्टर मिलेगा उसमें। ठीक है, दो तीन थे, ज़्यादा नहीं थे, एक दो क्वेश्चन ही थे, बट समझ में आ रहा है वो अगला चैप्टर है, पर मैंने जानबूझ के डाले देखने के लिए नेचुरल टैलेंट कहाँ से आता है, देखें सही यार कौन अंदर से निकाल के ला रहा है, बनता है यार पता लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? नहीं होगा इट्स ओके, अगले चैप्टर में आपको वही क्वेश्चन फिर मिलने वाले हैं आपको। ठीक, तो देखो अब क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कैसा आएगा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, अब ये करना है, ये आना चाहिए, ये फॉर्मूला आ गया, ये आएगा आपको, वो दो नंबर देगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, कहकर डिवाइड कर दो, डिवाइड करके नया रिजल्ट जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड में बोलो क्या होगा। अब जेड मेरे क्वेश्चन में क्या है, ए अपॉन बी, तो आपको ए पता है दो, आपको बी पता है तीन, तो करेक्ट नंबर से डिवाइड करके क्या आ गया, दो बटा तीन, तो एक तो आ गया आंसर। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा जेड, क्योंकि नंबर आपस में क्या हुए थे, डिवाइड, डिवीजन का फॉर्मूला बोलो, ये फॉर्मूला, इसके अंदर क्या निकालना है, डेल्टा जेड, जेड की वैल्यू कितनी आई 2/3, डेल्टा ए कितना है 0.1, ए कितना है 2, डेल्टा बी कितना है 0.2, बी कितना है 3, इसकी जगह 0.1 2 0.23 2/3 राइट पे गया, डेल्टा जेड की वैल्यू निकाल लेना, इस डेल्टा जेड को यहां पुट करना, जेड तो ऑलरेडी 2/3 आंसर, मतलब मतलब डिवीजन का क्वेश्चन के लिए पेन हाथ लगाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन एडिशन में तो वैसे ही ऐड करके बोले जा रहे हो एरर्स आ गया, तो आपको अगर ये सोच रहे हो एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा नहीं आएगा, आपको तो ये आएगा जिसमें डिवीजन करना होगा, आपको ये फॉर्मूला लंबा लगा के डेल्टा जेड निकालना पड़ेगा। आइडिया समझ में आ रहा है क्या करना है, दो नंबर डिवाइड करने को बोलेगा, आंसर इस फॉर्म में पूछेगा, जेड का मतलब ए अपॉन बी, इसकी कैलकुलेशन अलग करनी है, डेल्टा जेड की कैलकुलेशन अलग करनी है, दोनों फॉर्मूले लिख लिए जेड का भी डेल्टा जेड का भी, जेड का मतलब ए बाई बी, येरा ए येरा बी 2/3 2/3 यहाँ पुट कर दिया, डेल्टा ए डेल्टा बी बी की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा जेड निकाल लिया, जेड आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, डेल्टा जेड निकाल दिया, आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या करना है? और ऐसे ही आखिरी ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, ये तो हमने प्रूफ भी नहीं करना, देखो मैंने आइडिया देना था दे दिया, आना तो है नहीं, एक लाइन में ये जरूर बताया दो नंबर करेक्ट हैं तो करेक्ट नंबर है, एरर्स हैं तो एरर्स हैं, ए कॉमन बी कॉमन ये टर्म, इसको ओपन कर लेंगे फिर निगलेक्ट कर लेंगे, बाकी प्रूफ सेम है, कुछ नहीं करना आपने, सीधा फॉर्मूला नोट करना है, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, डिवीजन जैसा ही है, करना नहीं है। तो एक चीज़ नोट की, एडिशन सब्ट्रैक्शन का फाइनल रिजल्ट एक जैसा है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रिजल्ट एक जैसा है, तो क्वेश्चन ये आना चाहिए, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और आपको क्या चाहिए, जेड प्लस माइनस डेल्टा सेट। तो जेड का मतलब ए इंटू बी, तो करेक्ट नंबर 6, इसका आंसर तो आ गया 6, आधा आ गया। अब चाहिए डेल्टा जेड, डेल्टा जेड का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में डेल्टा जेड का यही फॉर्मूला है। तो डेल्टा ए, डेल्टा बी, बी पता है, चारों वैल्यूज पुट कर लो, जेड का फॉर्मूला 6 पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा जेड निकाल दो। जेड आपने 6 निकाल ही दिया था, डेल्टा जेड के लिए ये फॉर्मूला लगा के आंसर मार्क करके आंसर आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है, इन सब की चारों फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन, अभी तो एक आइडिया दिया है, असली लेक्चर अगला है जिसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये चार फॉर्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे इसके ऊपर काम है, क्योंकि इतना ऐसा भी नहीं है कि अच्छा अच्छा ये चार फॉर्मूला ही है, देखो कुछ तो आएगा स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, कुछ तो एक्सपेरिमेंट लगाना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस है और बहुत आसान है, आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप ये चार, जो मैं ये भी नहीं कह सकता जब थ्योरी पढ़ के आओ, थ्योरी पढ़ के क्या करोगे, आनी नहीं है, तो ये फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम करके इसको क्लोज करेंगे।